हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हुर्रा नेतर, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉन्ग कनेक्शन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं बोलना भूल गया था, इसलिए मैंने किया। एंड अभी मैं रिएक्ट करने वाला हूँ आतिफ असलम के गाने ढोलना पर, जो कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 5 से है। बहुत महीने पहले, एक्चुअली साल पहले मुझे बोला गया था, लेकिन किसी तरीके से ये मेरे दिमाग से निकल गया। बट आई एम फाइनली गोइंग टू डू इट फॉर यू गाइज। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा। हियर इज माय रिएक्शन। प्लीज पीछे साउंड इग्नोर कीजिए, दुर्गा पूजा चल रहा है तो स्टार्ट हो गया गाना पहले से, पीछे फंक्शन। कॉर्ड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। आवे ढोलना वे, आवे ढोलना वे, आवे ढोलना वे, रात न जावी वे, आवे ढोलना वे, आवे ढोलना वे। So comfortable transitioning from one pitch to another. Oh my God, दूसरे level का confidence. Such a unique blend of voice. Stunning, just stunning, mesmerizing, astounding, shocking, breathtaking. I'm just क्या ना बोले इस गाने के बारे में. Such a unique composition. बहुत ही यूनिक गाना था, बहुत ही fresh composition था. The moment it started, I fell in love and I knew that this song is going to be a masterpiece. And then Atif Aslam के आवाज़, हर बार ये बंदा मुझे जो सरप्राइज करता रहता है. Even now, I have been listening to Atif Aslam songs since I was a what 12-13 साल का बच्चा था मैं, तब से सुन रहा हूँ मैं. And till now, he always surprises me with all the kind of voice he has. जिस तरीके से वो modulate करते हैं अपनी आवाज़ को, हाई पिचेस, लो पिचेस, ट्रांजिशंस, छोटी छोटी मुर्कियाँ सुर्खियाँ वो लेते हैं। ओ माय गॉड, दे आर जस्ट अस्टाउंडिंग। एंड इस गाने ने अगेन उन्होंने प्रूव कर दिया कितने वर्सेटाइल है वो, उनकी आवाज़ कितने तरीके से वो मॉड्यूलेट कर सकते हैं। एंड व्हाई ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स वी हैव इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली इन द वर्ल्ड। सो आई जस्ट लव द सॉन्ग, सो फ्रेश, सो यूनिक, such beautiful and breathtaking lyrics, and the composition itself is very unique. I love the vocals, the assistant vocals जो उन्होंने जो assist किया है उनको, जो musical instruments है, always मतलब जितना तारीफ करो उतना कम है, इतने ब्यूटिफुली यू नो सपोर्ट करते हैं गाने को। कभी ऐसा नहीं महसूस होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा ओवर पावर कर रहे हैं गाने को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार ऐसा होता है ना, जो म्यूजिक होता है, जो बीट्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा ओवर पावर कर जाता है, जो इसमें आप वॉइस नहीं सुन पाते। लेकिन इन हमेशा आज तक कोई भी ऐसा कोक स्टूडियो गाना मैंने नहीं सुना है जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा हमको सुनाई दिए, या फिर गाना कम सुनाई दिया हो और गाना ज़्यादा सुनाई दिया हो और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा ना सुनाई दिया हो। दोनों का जो बैलेंस है इतनी खूबसूरती से मतलब बरकरार रखते हैं ये लोग, जस्ट ऑन अ होल न्यू डिफरेंट लेवल। एंड उसके बाद आतिफ असलम की आवाज़, आखिर में जिस तरीके से उन्होंने यू नो ही फिनिश्ड दैट, अंतरा जस्ट किल्ड मी। ओ माई गॉड, this guy can do magic with his voice. So yeah, I just became a fan yet again. I just fall in love with his voice again and again and again. This is his magic, you know, it never gets old. His voice never gets old. बहुत बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, कंपोजिशन है। थैंक यू वेरी मच मुझे सब्सक्राइब मुझे बताने के लिए, ये सजेशन देने के लिए। आई एम ग्रेट, बट आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो जल्दी से लाइक कीजिए, जैसे कमेंट डालना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए और मुझे सजेशन डालते रहिए, ढेर सारा प्यार बांटते रहिए, एंड ऑल सबसे इम्पोर्टेंट। आप लोगों को दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए चाओ।